वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम प्रिया, मी आयुषी, टुगेदर वी प्रियाशी। एंड हमारा बैकग्राउंड देख करके पता तो चल ही रहा होगा कि आज हम लोग पहली बार अपने स्टूडियो में शूट कर रहे हैं, वो भी हॉरर स्टोरी, जिस हॉरर स्टोरी ने हमें आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों से मिलवाया। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों को हमारी हॉरर स्टोरी बहुत पसंद आती है एंड हमारी हॉरर स्टोरी ही वायरल हुई थी एंड ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशी का साथ ही इमोशनल बात भी है क्योंकि ये हमारा सपना हुआ करता था एंड बहुत सारी दिक्कतों के बाद फाइनली हम लोगों को मौका मिल ही गया कि हम लोग हमारे स्टूडियो में वीडियो बना सके। तो वी होप आप जैसे हमें प्यार करते आए हो वैसे आगे खूब प्यार देते रहो और आप लोगों के लिए हम लोग और मेहनत करते रहेंगे। जी हाँ, और ये स्टूडियो हमारे लिए और भी ज्यादा लक एंड प्रोस्पेरिटी लाए, बस इसी बात की उम्मीद करते हैं। एंड रुको रुको रुको, इसके अलावा एक और सरप्राइज है एंड वी बेट यू कि आप लोगों में से किसी एक पर्सन को भी ना उस सरप्राइज के बारे में अंदाजा नहीं होगा एंड सरप्राइज हम लोग आपको अभी बताएंगे चंद सेकंड के अंदर। पर उससे पहले एक चीज आपको बताते हैं कि ये जो सरप्राइज है जिसके लिए हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, ये डिसीजन ना हमने बस यूं ऐसे सेकंड्स में लिया था। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत पहले से प्लान करते आ रहे थे, समय की डिमांड थी, आप लोगों की डिमांड थी, दैट्स व्हाई हमें ऐसा करना पड़ा। तो रानी, डू यू वॉन्ट टू रिवील द सरप्राइज? नहीं पता आज हमारे व्यूवर्स का सच में कलेजा धुकुर धुकुर हो जाएगा क्योंकि आज हम लोग इतने सरप्राइज दे रहे हैं ना, ये सेटअप और आगे की न्यूज जो है ना सच में आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो हमने हमारा दूसरा चैनल स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है प्रियाशी 2.0। टेंशन मत लो, ये चैनल को हम लोग कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं। बस अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, हमारे लाइफ के जितने भी रियल साइड होते हैं और खासकर अनकट साइड होते हैं वो आपको हमारे दूसरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। इस चैनल के अलावा हमने दूसरा चैनल क्यों बनाया, क्या रीजन पड़ गई, वो तो आपको उस चैनल पर जा करके वहाँ की वीडियो देखनी होगी। हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दी है, तो ये वीडियो देखने के बाद ना फटाफट से दौड़ करके जाना उस चैनल की, उस वीडियो को चेक करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमें पता है कि हमने बहुत ज्यादा टाइम खोटी कर दी है, आप लोग यहाँ पर हॉरर स्टोरी सुनने आए हो, तो विदाउट एनी फर्दर अडू चलो धुकुर धुकुर आंटी को वीडियो में बुलाते हैं। तो आज की जो ये स्टोरी है ना, ये अपने में ही काफी 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 ज्यादा स्पेशल है। अब आप लोग बोलोगे कि दीदी ये इतनी स्पेशल क्यों है? तो भाई साहब, ये इतनी स्पेशल इसलिए है ना क्योंकि ये जो स्टोरी है ये 1 साल पहले, 2 साल पहले, ये 5 साल पहले की नहीं है, बल्कि ये सिलसिला शुरू हुआ था दशहरा पूजा में। जी हाँ, दशहरा पूजा 2021, जस्ट 1-2 महीने पहले, एंड ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस स्टोरी में जो विक्टिम है ना उसे इतनी ज्यादा भयंकर और दर्दनाक मौत का शिकार होना पड़ता है कि वैसी मौत तो हम लोग अपने दुश्मनों के लिए भी बिल्कुल नहीं मान सकते हैं। पैसा यार, पैसा बहुत ही बुरी चीज है, पैसा इंसान को क्या से क्या करने पर मजबूर ना कर दे। तो आज की स्टोरी में हम लोग यही देखेंगे कि किस तरह पैसे की तंगी के कारण एक परिवार में इतना बड़ा हादसा होता है, इतना बड़ा हादसा होता है ना कि वो हादसा अच्छे अच्छों का दिल धुकुर धुकुर करवा दे। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी अपनी सीट की पेटी बांध लो और कानों में चुपचाप से ना हेडफोन्स डाल लो, मजा दुगना हो जाएगा। साथ ही साथ फोन को कस के पकड़ लो, क्या पता फोन टूट जाए, तो फिर आप हमें ब्लेम मत करना। और अगर ज्यादा मजा लेना है तो रूम की लाइट्स ऑफ कर लो। तो आज की स्टोरी हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। चलो रीति रिवाज के हिसाब से सबसे पहले तो उनका नामकरण कर दिया जाए, तो आज उनका नाम रख देते हैं हम लोग सोनाली। तो सोनाली बताती है कि वो वेस्ट बंगाल की रहने वाली है, एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग आपको नहीं बताएंगे अदरवाइज फिर तो भांडा ही फूट जाएगा। तो सोनाली का जहाँ पर घर है ना उसके बगल में ही रेलवे लाइन पार होती है। अगर हम जैसे आम लोग रेलवे लाइन के अगल बगल रहेंगे ना तो रेल की पे पै पू पा सुन सुन के ना भाई सर फट जाएगा। लेकिन सोनाली बताती है कि उनके लिए ना अब ये बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है क्योंकि वो बचपन से ही वहीं पर रह रही है। तो आपको तो पता ही होगा कि आए दिन रेलवे लाइन पर कितने ज्यादा हादसे होते रहते हैं, कुछ कुछ तो उसमें से दुर्घटनाएं होती हैं, पर कुछ कुछ तो लोग जानबूझकर अटेम्प्ट करते हैं। तो ये सारा जो रेलवे लाइन के आसपास का सिनेरियो होता है ना,
काफी ज्यादा भूतिया होता है, तो सोनाली का बचपन इसी एनवायरनमेंट में बीतता है। तो भूत पिशाच उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आए दिन ना उसके घर के साइड हल्ला होता है, अरे रेलवे लाइन पर ना आज ये दुर्घटना हो गई, अरे रेलवे लाइन पर ना इसने कूद करके जान दे दी, अरे आज ना वहां पर झाड़ियों के बीच में कुछ दिखा। तो सोनाली को ना इन सब चीजों से बिल्कुल डर नहीं लगता है, लेकिन हमारी सोनाली की जो मम्मी है ना भाई साहब, उन्हें बहुत डर लगता है। ऑब्वियसली भले वो भी शुरू से वहां रहते आ रही है, पर डर तो डिपेंड करता है ना इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, किसी को डर लगता है किसी को डर नहीं लगता है। नहीं, मेरे को एक डायलॉग याद आया डियो का, डर सबको लगता है, कलेजा सबका धुकुर धुकुर करता है। हाँ, लेकिन जो सोनाली की मम्मी है उनका कुछ ज्यादा ही तेजी से धुकुर धुकुर करता था भूत पिशाच का नाम सुन करके, और उनका डर इस कदर हावी है ना उनके ऊपर कि वो दो चार ताबीज तो नॉर्मली भी बांध करके चलती है, साथ ही साथ सोनाली को भी उन्होंने ताबीजों से पूरा गुच्छा बना करके रखा हुआ है। तो अब आते हैं मेन घटना पर कि आखिर उस दशहरे के टाइम पर हुआ क्या था। तो रेलवे लाइन के पास ही ना एक छोटी सी बस्ती थी, और उसी बस्ती में एक परिवार रहता था जिसमें एक आंटी थी, अंकल थे, और साथ ही में उनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा करीब 20-25 साल का अच्छा खासा नौजवान था, और बेटी भी टीन एज में थी, 18-19 साल की होगी। बेटा थोड़ा रिस्पॉन्सिबल था, अपनी माँ की मदद करता था, और जो माँ थी ना वो घर घर जाके हाउस हेल्प का काम करती थी, और जो आंटी का पति था वो एक नंबर का नशेड़ी था, दिन भर बस दारू पीता था और अपनी वाइफ का भी सारा पैसा ले लेता था, घर में एक घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं देता था। और जो बेटी थी ना वो भी बिल्कुल अपने पापा पे चली गई थी, दिन भर अपने दोस्तों के साथ मस्ती मौज और कुछ नहीं, माँ की कोई हेल्प नहीं करती थी। अगर वो आंटी अपनी बेटी को थोड़ा सा डांट भी दे कि घर बेटा समय पे आ जाओ, तब तो आंटी की खैर नहीं, वो छोटी सी बेटी अपनी माँ पे हाथ भी उठाती थी और मारती पीटती भी थी, लेकिन बेचारी मासूम आंटी चुपचाप से खून का घूंट पी के रह जाती थी और चुपचाप से सारे चीजों को बहुत सालों तक सहते आ रही थी। एक तो उनके घर में पैसों की इतनी ज्यादा तंगी थी, ऊपर से पति ऐसा, बेटी ऐसी, आखिर करे तो करे क्या। अगर वो किसी से अपना दुख शेयर भी करेंगी तो आखिर बोलेंगी क्या कि मेरी बेटी मेरे को मारती है, उनकी तो इज्जत ऐसे ही उछल जाएगी। तो अब आते हैं मेन घटना पे। दशहरे का टाइम था, और आपको तो पता है कि दशहरे दिवाली के टाइम पे लोग कितना जुआ खेलते हैं, वैसे ही जो आंटी का पति था वो भी जुआ खेल रहा था, और जुआ खेलने में वो सारे पैसे हार गया। उसके बाद वो चुपचाप से घर आया और अलमारी खोल के आंटी की तिजोरी से पैसे निकालने लगा। आंटी जैसे ही अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि सारे पैसे उनके पति निकाल रहे हैं, वो झट से उनके हाथ से सारे पैसे छीन लेती है और बोलती है कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि अभी घर में दिवाली आने वाली है, पूजा पाठ में पैसे लगेंगे, मेरे पास बस इतना ही पैसा बचा है, और अगर गलती से परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई तो हम किससे भीख मांगने जाएंगे, अब ये सारा पैसा मेरे को दीजिए, हम आपको एक पैसा नहीं देंगे, जाइए आपको जो करना है करिए, हमसे पैसा मांगने मत आइए। अब इसी बात पे उन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है, और जो पति था वो पूरे नशे में था, और नशे के कारण डंडा उठा के उसने आंटी को इतना मारा ना, आंटी रो रो के घर से भाग गई, और घर से जाते जाते वो एक ही चीज बोली कि आज के बाद से हम इस घर में मुड़ के नहीं देखेंगे। आंटी तो घर से निकल गई थी, अब ना उनके पास घर था ना पैसे थे, आंटी करती तो क्या, किसी की भी ना एक टाइम तक सब्र की सीमा होती है, कोई भी इंसान एक लिमिट तक सहता है यार। उस आंटी ने तो अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों और पति के ऊपर न्यौछावर कर दी, जितने भी पैसे वो कमाती थी घर खर्च में दे देती थी, अपने कोई शौक पूरे नहीं किए, थोड़ा सा जो बड़ा बेटा था वो उनकी हेल्प कर देता था। अब आंटी ना बेबस और लाचार महसूस कर रही थी, आंटी के पास जिंदगी जीने का एक भी मकसद नहीं बचा था कि आखिर वो किसके लिए अपनी जिंदगी जिए, ना वो अपनी जिंदगी में खुश थी, ना ही पति का सपोर्ट था। अब ऐसे ही टाइम पे ना इंसान का दिमाग काम नहीं करता है, और खासकर जब इंसान मेंटली पूरी तरह से टूट जाए। अब आंटी ने डिसीजन लिया कि हम इसी ट्रेन के सामने अपनी जान दे देंगे, लेकिन आंटी ने यहाँ पर दिमाग चलाया, वो शुरू में जाके ट्रेन के पटरी के पास खड़ी नहीं हुई ताकि किसी को शक हो जाता ना कि वो सुसाइड करने आई है, वो क्या की पड़ोस वाली आंटी के घर में चली गई और वहाँ पर चुपचाप से उनके साथ बातें करने लगी, और आंटी ने ना पड़ोस वाली आंटी को अपने चेहरे से एक बार भी ये एहसास नहीं दिलाया
कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और अभी वो कितना बड़ा कदम उठाने की सोच रही है। आंटी तो उस पड़ोस वाली आंटी से बस बात करके समय बिता रही थी और वो सोच रही थी कि कब ट्रेन की घंटी बजे, कब ट्रेन आए और वो कब दौड़ के जाए और अपना सोचा हुआ कदम उठा ले। जैसे ही आंटी ट्रेन की घंटी की आवाज सुनती है ना, वो ट्रेन की पटरी की ओर दौड़ने लगती है। उन्हें देख के वो पड़ोस वाली आंटी जिससे वो बात कर रही थी वो शॉक्ड हो जाती है। वो और उनके पति आंटी के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं उनको रोकने के लिए। इस दौड़ने के प्रोसेस में ना उन लोगों को कहीं ना कहीं फील हो गया था कि आंटी क्या करने जा रही है, पर आंटी इतनी आगे निकल चुकी होती है ना कि ट्रेन आती है और आंटी उस बड़े हादसे का शिकार हो जाती है। जो पड़ोस वाली आंटी और वो जो पति रहते हैं वो केवल इस चीज को देखते ही रह जाते हैं और आंटी की हेल्प नहीं कर पाते हैं। आंटी के साथ ये जो दुर्घटना हुई वो इतनी ज्यादा दर्दनाक और दिल दहलाने वाली थी ना, आप खुद समझ लो हमारे जैसा एक मिट्टी का इंसान जब एक ट्रेन से टकराएगा तो फिर क्या होगा। आंटी का एक एक पार्ट पुर्जा ट्रेन की पटरियों पर बिखर चुका था। कहीं पर आंख, कहीं पर नाक, कहीं पर सिर की खोपड़ी, और जो खोपड़ी भी थी ना उसके 40-30 पीस हो चुके थे। जैसे ही आंटी के साथ ये दुर्घटना होती है ना, तुरंत से अगल बगल के जितने भी चील, कौवे और कुत्ते रहते हैं ना उस बॉडी पर अटैक कर देते हैं। वो जो पड़ोस वाले अंकल और आंटी रहते हैं वो भाग करके जाते हैं मोहल्ले में, और उस टाइम पर मोहल्ले में छोटा सा दशहरा के लिए दुर्गा माँ का पंडाल बना हुआ था। लोग वहां पर डेक बजा करके नाच रहे थे क्योंकि दुर्गा विसर्जन होने वाला था। अंकल आंटी जाते हैं, डेक को बंद करते हैं और आंटी के पति वहीं बगल में बैठ करके जुआ खेल रहे होते हैं। वो लोग आंटी के पति को ये बात बताते हैं। जब आंटी के पति को ये बात बताते हैं ना तो 5 सेकंड के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया होता है। आंटी के पति ने भले ही आंटी पर हाथ उठाया था बट उन्होंने ये कभी नहीं चाहा था कि आंटी जा करके इतना बड़ा कदम उठा ले। लड़ाइयां तो हमेशा होती थी पर किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इसका अंजाम इतना ज्यादा बुरा होगा। सारे लोग पटरी के पास जाते हैं पर उस बॉडी की हालत देख करके किसी की भी हिम्मत नहीं होती है ना कि उनकी बॉडी को इकट्ठा करके समेट ले। पुलिस को कॉल किया जाता है। बाय द वे ये घटना शाम के 5 बजे हुई थी और दशहरा के कारण प्लस विसर्जन के कारण सड़क में इतना जाम था ना कि पुलिस को आते आते भी काफी लेट हो जाती है। पुलिस रात के 8 से 9 बजे के बीच में वहां पर पहुंचती है एंड पुलिस से जितना हो पाता है वो बॉडी इकट्ठा करती है, बट फिर भी बॉडी इतने ज्यादा टुकड़ों में बिखर चुकी थी ना कि सारे टुकड़े अभी भी नहीं मिले थे। आंटी का दाह संस्कार होता है, जितने भी क्रियाकर्म किए जाते हैं सब कुछ हो जाता है। दशहरा का जो वो खुशहाल माहौल था उस मोहल्ले में कब मातम में बदल जाता है ना किसी को पता भी नहीं चलता है। अब जिस मोहल्ले में गाने वाने की आवाज बज रही थी, जोर जोर से लोग नाच रहे थे, वहां पर सन्नाटा छा गया होता है और कहीं ना कहीं अब लोगों को पता था कि जिस तरीके की मृत्यु हुई है ना ये बहुत भयंकर रिजल्ट लेकर के आने वाली है। सब लोग कहीं ना कहीं जानते थे कि आंटी लौट करके तो जरूर आएगी क्योंकि आंटी की जो बॉडी की पीसेस थे वो अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिले थे। खैर 3-4 दिनों तक तो कुछ नहीं हुआ और कहते हैं ना जैसे जैसे समय बीतता है मोहल्ले वाले भी सारी चीजों को भूलने लगते हैं। 4-5 दिनों के बाद छोटे छोटे बच्चे ना वहीं पर ट्रैक के पास खेल रहे थे। खेलते खेलते 2-4 बच्चों ने देखा एक छोटा सा कुत्ता एक फ्लैश, पता नहीं वो फ्लैश क्या था, और उस फ्लैश के ऊपर पूरे बाल लंबे लंबे लगे हुए थे, मानो वो सर का कोई पोर्शन हो जो कि टूट करके निकल चुका था और वो कुत्ता उसके साथ खेल रहा था। वो बच्चे अपने अपने घर जाके अपने माँ बाप को ये सारी चीजें बताते हैं। फिर आंटी के जो पति थे ना, मतलब जो विक्टिम थी उनके पति, उनको बुलाया जाता है और उनको कहा जाता है कि उस फ्लैश को उठा करके नदी में डाल दे या फिर गाड़ दे। लेकिन ऐसे तो न जाने कितने ही फ्लैश गिरे होंगे, किस किस फ्लैश को उठाओगे। और कहते हैं ना कि अगर आपकी बॉडी को अच्छे से नष्ट नहीं किया जाए तो आत्मा भटकती है। अब आंटी की आत्मा भी भटक रही थी अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। धीरे धीरे आंटी की आत्मा ना सभी लोगों को दिखने लगी। शाम के समय में जब आंटी की मौत हुई थी करीबन 4 से 5 बजे, आंटी ना उस रेलवे ट्रैक के अगल बगल की झाड़ियों में नजर आ जाती थी। ऐसा लगता था ना मानो कोई औरत झाड़ियों के बीच से पार हो रही हो, और ये चीज एक या दो लोगों ने नहीं
तकरीबन उस मोहल्ले के सारे लोगों ने देखा है। जैसे जैसे समय पार हो रहा था, मतलब दशहरा से दिवाली आते आते इस 20 दिनों के अंदर अंदर आंटी अब साफ साफ दिखने लगी थी। रात के टाइम पर ना वो रेलवे ट्रैक पर चलती हुई नजर आती थी, और ये चीज केवल मोहल्ले वालों ने नहीं, कई ट्रेन पैसेंजर्स ने भी देखा है। ड्राइवर ने तो यहाँ तक कहा था ना कि उन्हें लगा कि उनके ट्रेन के सामने कोई आया, और जब उन्होंने ट्रेन को रोकने की कोशिश की, ऑब्वियसली ट्रेन नहीं रुक सकती इतनी जल्दी, और ड्राइवर को लगा उन्होंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं था। और ऐसा एक दो ट्रेन के साथ नहीं, काफी ट्रेन्स के साथ हुआ है। धीरे धीरे फिर समय के साथ ये भी चीज क्लियर हो गई कि वो कोई इंसान नहीं है जो डेली डेली ट्रेन के सामने आई है। अभी ट्रेन पर हादसा हुआ है तो उसी औरत की आत्मा भटक रही है। लोग इग्नोर करते थे क्योंकि ट्रेन के पास आए दिन ऐसी घटनाएं होते रहती है। कितनों के लिए झाड़ फूंक वालों को बुलाओगे और कितनों की आत्मा को शांति दिलवाओगे। तो लोगों ने सोचा कि इग्नोर करना ही बेहतर है। आए दिन ऐसे किस्से होते हैं, समय के साथ सारे किस्से खत्म हो जाते हैं, ये किस्सा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये किस्सा इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। अभी तक तो ना लोगों के बीच में इतना दहशत फैल चुका था कि शाम 6 बजे के बाद लोग उस रेलवे ट्रैक के आसपास भी नहीं फटकते थे। अब इस घटना से ना उस एरिया के सारे लोग अवेयर थे, और साथ ही साथ सोनाली को भी इस बारे में अच्छे से पता था कि रात में उस स्टेशन के पास वो आंटी घूमती है और टहलती है। अब आते हैं उस घटना पे जो सोनाली ने पर्सनली फील किया। तो ये दिवाली की बात है, मतलब अभी जो दिवाली भी थी उसी की बात है। तो सोनाली ने डिसाइड किया कि इस बार दिवाली हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। दशहरा थोड़ा मेरा हल्का फीका गया क्योंकि वो घटना भी तो हो चुकी थी। तो उसने डिसाइड किया कि दिवाली के दिन हम निकलेंगे और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ घूमने जाएंगे। अब यहाँ पर सोनाली बताती है कि उसके घर में थोड़ा पूजा पाठ वाला ज्यादा माहौल है, मतलब उसकी जो मम्मी है ये सब में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है। तो जब शाम के टाइम सोनाली तैयार होकर घर से बाहर निकल रही होती है, तभी उसकी मम्मी टोक देती है कि बेटा बाल को तुम बांध लो, तो आज दिवाली है। और आपको पता है ना दिवाली कब मनाई जाती है? दिवाली अमावस्या की रात को मनाई जाती है। तो यहाँ पर सोनाली की मम्मी ने झट से उसको टोका कि तुम पहले अपने बालों को बांधो तो। और सोनाली हमें बताती है कि उसके बाल बहुत लंबे हैं, यानी कमर से नीचे तक। और सोनाली की मम्मी ने स्ट्रिक्टली बोला कि तुम आज घर से बाहर निकलोगी तो परफ्यूम बिल्कुल मत लगाना। अब सोनाली हमें यहाँ पर बताती है कि पता है दीदी, हम घर से आराम से निकल गए, हाथ में फोन ले लिए, हेडफोन लगा लिए, जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं। और सोनाली BTS की बहुत बड़ी फैन है, और सोनाली ने अपने फोन में मस्त सब BTS का गाना लगाया और झूमते झूमते अपने दोस्त के घर निकल पड़ी। और सोनाली को अपने बेस्ट फ्रेंड के घर उसी रेलवे स्टेशन को पार करके जाना था। सोनाली ने हमें बताया कि पता है दीदी, दिल तो मेरा धुकुर धुकुर हो रहा था, लेकिन हम क्या किए, ताकि मेरा ध्यान ना भटके हम चुपचाप से अपने कानों में हेडफोन डाल लिए। और दिवाली में होता है ना, घर सारे बढ़िया से सजे हुए रहते हैं, इसीलिए सोनाली को ज्यादा डर भी नहीं लग रहा था क्योंकि रोशनी हर तरफ से आ रही थी। अब सोनाली जैसे ही रेलवे ट्रैक पे पहुंचती है और उसको क्रॉस करने वाली होती है, अब सोनाली को फील होता है कि उस रेलवे ट्रैक पे वो अकेले नहीं है। वो थोड़ा सा सेंस कर लेती है कि उसके बगल में कोई खड़ा है। अब यहाँ पर सोनाली अपने सामने पता है क्या देखती है, कि ठीक उसके परछाई के बगल में किसी औरत की परछाई खड़ी है। सोनाली क्लियर करने के लिए एक चीज पता है क्या करती है, वो थोड़ा सा अपने परछाई के साथ ऐसे झूम के देखती है कि ये दोनों परछाई कहीं मेरी तो नहीं है ना। वो ऐसे घूमती है तो बस एक परछाई उसके साथ मूव होती है, जो कि सोनाली की परछाई थी। लेकिन उसके बगल में जो औरत की परछाई थी वो चुपचाप से एक जगह खड़ी थी। सोनाली ने हमें बताया कि पता है दीदी, उस परछाई को ऐसा देख के लग रहा था कि वो किसी औरत की परछाई है और वो उसे ही स्टेयर किए जा रही है। अब सोनाली क्या करती है, कानों से झट से अपने हेडफोन निकालती है और जो भागती है ना। सोनाली बताती है कि दीदी, अगर मेरे स्कूल में उस दिन रेस की कंपटीशन होती ना, तो हम उस दिन अपने घर में फर्स्ट प्राइज ला के रहते, क्योंकि मेरे पैर में पहिए लग गए थे। यहाँ पर सोनाली ने समझदारी का काम किया, उसे अपनी माँ की बात याद थी कि अगर आपको बेटा रोड में ऐसा कुछ फील हो ना, तो आप प्लीज पीछे मुड़ के मत देखना।
अब सोनाली के पैर में तो पहिए लग गए थे और वो जो उसके 11 नंबर की गाड़ी थी ना उसमें ब्रेक नहीं था और वो पता है ब्रेक जाके कहाँ लगी, उसके बेस्ट फ्रेंड के घर में। उसके जो बेस्ट फ्रेंड के घर का दरवाजा था ना वो लकड़ी का था, इसलिए सोनाली इतनी ज्यादा डर गई थी ना कि वो दरवाजा तोड़ के तुरंत से वहीं पर गिर गई। और यहाँ पर घर के आंगन में सोनाली का जो बेस्ट फ्रेंड था ना उसकी नानी यहाँ पर लेटी हुई थी, वो देख के सोनाली को डर गई कि क्या पता इस बच्ची के साथ क्या हुआ, मतलब रात में अकेले में आ रही थी, कुछ भी हो सकता था। अब यहाँ पर सोनाली तो फेंट होके गिरी थी, उसको तो सांस भी नहीं आ रहा था, उसको तो सांस पूरा फूल गया था और छाती जो धुकुर धुकुर हो रहा था उसका तो बात छोड़ ही दो। अब यहाँ पर वो कांप रही थी और किसी को बता भी नहीं रही थी। अब यहाँ पर झट से उसे पानी पिलाया गया, उसके पीठ को सहला के शांत किया गया कि बेटा क्या हुआ है बताओ। तब यहाँ पर सोनाली अपना मुंह खोलती है और बताती है कि मेरे साथ मेरे BTS के सॉन्ग पे वो भूतनी भी डांस कर रही थी। क्या पता वो भूतनी भी दीदी BTS की फैन हो, भाई सोनाली को अपना एक हेडफोन उसको दे देना चाहिए था। पर आप खुद सोचो सोनाली कितना ज्यादा डरी होगी कि उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो दरवाजे को खोले, वो सीधे जाकर के दरवाजे में भिड़ गई। मतलब ओह माय गॉड, ये डरावना था बट एट द सेम टाइम काफी ज्यादा हिलेरियस था। सॉरी सोनाली। यहाँ पर सोनाली और उसके बेस्ट फ्रेंड ने सोचा कि प्लान कैंसिल करते हैं। सोनाली के अंदर हिम्मत नहीं थी ना कि वो दिवाली का मेला घूमने के लिए जाए। सोनाली दिवाली में दिया क्या जलाती है, उसकी खुद की बत्ती बुझ चुकी थी। अब क्या हुआ, सोनाली ने अपने घर में अपनी मम्मी को फोन लगाया, उसके घर में उसके पापा उस वक्त पे नहीं थे। तो अब सुई कहाँ अटक गई, सोनाली के बेस्ट फ्रेंड के ऊपर कि वही जाएगा और सोनाली को घर पर छोड़ के आएगा। यहाँ पर ना डर के मारे सोनाली के साथ साथ उसके बेस्ट फ्रेंड का भी कलेजा धुकुर धुकुर करने लगा था। उसने भूतनी तो नहीं देखी थी पर सोनाली की हालत देखी थी और अपने टूटे हुए गेट को वो अपने सामने देख रहा था। फिर भी भाई अब कोई चारा नहीं है, जैसे तैसे हिम्मत करके उसका बेस्ट फ्रेंड बोलता है कि ठीक है चल मैं तेरे को तेरे घर छोड़ के आता हूँ। घर से तो वो लोग सही सलामत निकलते हैं पर जैसे ही रेलवे ट्रैक पहुंचने वाला होता है ना दोनों सहम जाते हैं। पर फिर भी भाई रेलवे ट्रैक को तो पार करना ही था, बिना रेलवे ट्रैक सोनाली अपने घर नहीं जा सकती थी। पर सोनाली और उसका दोस्त किसी तरह हिम्मत जुटाते हैं एंड बोलते हैं चलो हनुमान चालीसा गाते गाते हम लोग निकलते हैं यहाँ पटरी पर से। और उन दोनों को सही से हनुमान चालीसा भी गया है, टूटा फूटा हनुमान चालीसा गाते हुए दोनों कोशिश करते हैं कि रेलवे की पटरी को पार करते। जैसे ही रेलवे की पटरी को वो लोग पार करते हैं ना अब सोनाली का बेस्ट फ्रेंड तेजी से उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पर सोनाली को समझ में नहीं आता है कि उसने सोनाली का हाथ क्यों पकड़ा और हाथ पकड़ के वो सोनाली को कुछ नहीं बोलता है, बस सोनाली को घसीट करके दौड़ने लगता है। यहाँ सोनाली को कुछ पता नहीं होता है पर वो भी साथ में बस दौड़ने लगती है। सोनाली की तो ऐसी ही लगी पड़ी थी उस एरिया से, अभी बेचारी ने 10 मिनट पहले ही वो सब चीज फील किया था, उसको खुद कुछ समझ में नहीं आता और मम्मी 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 कहते हुए ना वो भी भागने लगती है। भागते भागते वो लोग सोनाली के घर पे जाके रुकते हैं। जब सोनाली ने पूछा कि तूने मेरे को ऐसे क्यों दौड़ाया तब उसका बेस्ट फ्रेंड बताता है कि पता है यार वो औरत है ना झाड़ियों में बैठ करके हम दोनों को घूर रही थी काफी देर से, जब हमने रेलवे का ट्रैक पार किया ना तब मैंने उसका देखा और वो टकली थी तो मेरे को बहुत डर लग गया तो इसलिए मैंने तेरे को नहीं बताया, तू और डर जाती तो इसलिए मैं भाग गया वहां से तेरे को साथ में लेकर के। अब बारी आती है उसके बेस्ट फ्रेंड का अपने घर पर लौट के जाने का। अब बेचारा जाए तो जाए कैसे, हमारी सोनाली ने तो केवल परछाई देखी थी और उसके बेस्ट फ्रेंड ने तो टकली भुदरी देख ली थी। अब सोच लो भाई अगर हम ऐसा देख लेते ना, हम उस एरिया से अपना घर चेंज कर लेते पर हम वहां पर नहीं रहते। लेकिन फिर सोनाली की मम्मी ने बोला सोनाली के बेस्ट फ्रेंड को कि कोई बात नहीं है, घर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही माहौल अच्छा नहीं है, रात भर यहीं रुक जाओ, सवेरे होगा तो अपने घर चले जाना। अगली सुबह फिर सोनाली का बेस्ट फ्रेंड अपने घर चला जाता है। फिर सोनाली बताती है कि उसकी मम्मी किसी पंडित जी को जानती, तो वो उस पंडित जी के पास जाती है और फिर पता करती है कि उसकी बेटी ठीक है कि नहीं है। तब पंडित जी ने कहा कि सोनाली ने जो ताबीज पहने थे ना उस कारण से वो भूतनी सोनाली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकी, अगर सोनाली ने वो ताबीज नहीं पहना होता ना तो शायद वो भूतनी अभी सोनाली के शरीर में रहती, सोनाली हमारी बाल बाल से बच गई है। सोनाली ने बताया कि दीदी ऐसा नहीं है कि अभी भी उस भूतनी का जो खौफ है वहां से खत्म हो चुका है या घटनाएं नहीं होती है, आए दिन कोई ना कोई उस भूतनी का दर्शन करते हैं लेकिन कोई भी झाड़ फूक नहीं करवा रहा क्योंकि भाई वो तो रेलवे ट्रैक है,
कौन ही ओझा आके वहां झाड़ फूक करेगा, और ये सारी चीजें वहां बहुत नॉर्मल है, समय के साथ सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी, शुरू हुई बहुत ही ज्यादा दर्दनाक घटना से, बहुत ही ज्यादा इमोशनल स्टोरी, लेकिन एंड होते होते बहुत ही ज्यादा हिलारियस हो गई। तो वी होप आप लोगों को मजा आया होगा एंड आपका कलेजा धुकड़ धुकड़ किया होगा। अगर आपका कलेजा धुकड़ धुकड़ हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे ब्लॉग चैनल को भी जाके प्लीज सब्सक्राइब कर देना और उसको भी ढेर सारा प्यार दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।